के भजनपुरा थाने इलाके के गड़ीमेड़ू में दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेंद्रपाल के 32 साल के बेटे रोहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले मृतक ने मौके पर सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें रोहित ने मौत के लिए अपने सौतेले ससुर और सास पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने भी साफ किया है कि उनका बेटा ससुराल वालों की वजह से लंबे वक्त से मानसिक दबाव में था। मैं सुरेंद्र पाल सिंह, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं। आज मेरे लड़के ने, रोहित ने सुसाइड कर लिया है। मेरा लड़का 5-6 महीने से अपने ससुर व सास एएसआई नरेंद्र, जो रोहिणी जोन बीआरके में है, के कारण वो मेरे लड़के की मिसेज को अपने यहाँ ले गए। मेरा लड़का टेंशन में था, तरह तरह से परेशान कर रहे थे, जिस वजह से मेरा लड़का डिप्रेशन में था और मेरे लड़के ने आज सुसाइड कर लिया। मृतक के पिता ने बेटे के ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने अपनी पत्नी के पहले पति की भी हत्या की थी और कुएं में फेंक दिया था। लड़के की जो घरवाली है, उसका दूसरा बाप था। जो पहला बाप था वो किसी कारण बस अब ये पता नहीं लग रहा, लेकिन हालात सस्पिशियस थे। वो कुएं में गिरने के कारण जो हालात पता लगे हैं, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद श्रीपाल मुनेश को लेकर काफी दिन छिपा रहा, इधर उधर ले आया और कोर्ट मैरिज कर ली। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने रोहित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके से मिले सुसाइड नोट के साथ ही एविडेंस भी इकट्ठे किए हैं, ताकि जांच के बाद सुसाइड की असल वजह तक पहुंचा जा सके और सुसाइड के लिए उकसाने वाले लोगों को सजा मिल सके। दिल्ली से इसरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।